प्रभु के नाम को इस अनुग्रहित और सुंदर सुबह में महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में सभी लोगों को प्रेम भरा अभिवादन। इस सुबह परमेश्वर ने जो वचन दिया है वह प्रेरित पौलुस द्वारा तिमोथियुस को लिखा हुआ दूसरा लेख चौथा अध्याय और दूसरा वचन का पहला भाग है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए वचन को प्रचार कर, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो। प्रचार करना एक कला है, परंतु यह वचन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें प्रचार करने की कला है। यीशु ने अपने चुने हुए शिष्यों से कहा प्रचार कर, यह इसलिए नहीं कि उन्हें प्रचार करने की कला है, परंतु इसलिए कहा क्योंकि प्रचार करना अति आवश्यक है। परमेश्वर ने हमें जिस समूह से और जिस अवस्था से बुला के अलग किया और उद्धार किया, उस उद्धार को प्राप्त करके उस समाज में हमें वापस इसलिए भेजते हैं कि हम वहां जाके अपने उद्धारकर्ता प्रभु को उनसे साझा करें। वहां प्रचार का अर्थ हमारा जीवन है, हमारे शब्दों से बढ़कर हमारा कार्य है। हमारे जीवन में जो रूपांतरण और बदलाव आया उसे देखकर लोग उस प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करें। यदि ऐसा है तो हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को दर्शाने वाले बने। यही प्रचार कर का अर्थ है। Preach the gospel at all times, use words if necessary। यह बहुत ही प्रचलित स्टेटमेंट है जो हम सबने सुना है। फ्रांसिस ऑफ असिसी नाम के एक थियोलॉजियन ने शायद यह स्टेटमेंट कहा है या फिर नहीं कहा, यह विवादित है। किसने यह स्टेटमेंट कहा उससे बढ़कर यह जरूरी है कि यह बहुत ही इफेक्टिव, शॉर्ट, स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमेशा प्रचार कीजिए, जरूरत पड़ने पर ही शब्दों का प्रयोग करें। हमने जो वचन पढ़ा वह पौलुस प्रेरित ने अपने कारागृह के दिनों में एडी 66 या 67 में लिखा है ऐसा माना जाता है। पहले भी पौलुस कारागृह में रह चुके लेकिन तब वे छूट गए थे, परंतु 2 साल के बाद फिर वे कारागृह में रहे, परंतु इस बार नीरो चक्रवर्ती ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये उनके अंतिम लेख हैं और उस लेख के अंतिम शब्द हैं प्रचार कर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम अपने अंतिम समय तक और अंतिम क्षण तक भी प्रभु यीशु के प्रचार करने वाले बने। एक अर्थ उसका इस प्रकार भी है कि हम अपने जीवन से प्रभु यीशु को प्रदर्शित करें। तब हम कह सकते हैं कि प्रचार का अर्थ है प्रदर्शित करना। गलातियों उसका 3 अध्याय और 5वें वाक्य से हम सीख सकते हैं प्रचार का अर्थ है कि परमेश्वर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 23वीं आयत और 15वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत यदि हम पढ़ेंगे और मनन करें तो उसका मुख्य विषय प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान इस विषय पर केंद्रित है हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 14वां वचन यदि हम पढ़ें और समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि कब तक हमें प्रचार करना है और किससे प्रचार करना है। कब तक? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हम सभी जातियों से, और कहाँ तक? संसार के हर कोने में। ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए और इस संसार में भेजे हुए हम यदि प्रचार के साथ अपने जीवन को शुद्ध नहीं रख पाते तो प्रभु यीशु को एक बार फिर क्रूसित करते हैं। इस प्रकार का एक दुष्परिणाम भी है, यह हमें भली भांति समझना है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखें और प्रचार करें और सेवकाई पूरी करते हुए अनेक लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करें और प्रभु यीशु को अपने जीवन के द्वारा दर्शाने वाले एक शाला और अनेक लोग पढ़ने वाले एक पत्री बनके हम अपने आप को तैयार करें। जहां मेरे समय में भक्ति का वेश धारण किए
भक्ति की शक्ति को त्यागते हुए प्रचार को सिर्फ आय का स्रोत बना के चलते हैं, तो वही हमारा जीवन जो अपने आप में एक प्रचार है, वह अनेक लोगों को प्रभु यीशु के समीप आने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी सहायता करें, यह मैं प्रभु में आशा और प्रार्थना करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु को और उनके वचन को और सत्य सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।